हमारा तुर्की का रोड ट्रिप चल रहा है और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अंताकिया से डेनिसली, डेनिसली पामुकाले, जो कि थर्मल पूल्स हैं जिनमें कैल्शियम कोई पानी जो है वो मिक्स होकर आता है, जो कि थर्मल पूल्स थोड़ा सा टेम्परेचर उनका वार्म होता है और ये भी माना जाता है कि उसमें शिफा भी है, कुछ आपकी बॉडी की जो बीमारियाँ होती हैं उनको वो काफ़ी कवर कर देता है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो वाइट कलर की चूना चूने की तरह की मट्टी होती है वो भी काफ़ी लोग अपने जिस्म पे, हाथों पे, चेहरे पे लगाते हैं ताकि कुछ माइट भी थोड़ी सी शिफा मिले उनको। यहाँ आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स कवर्ड हैं स्नो से, बर्फबारी का सिलसिला पूरे तुर्की में चला था और अभी अगर हम लोग कैपेडोकिया वाली साइड पे जाएं तो वहाँ स्टिल अभी भी ये रिसेंटली लास्ट वीक में स्नो हुई है, लेकिन अंताकिया में इतनी ठंड नहीं थी इस्तांबुल के मुकाबले में। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गाड़ी का शीशा नीचे करने पे कुछ थोड़ी सी ठंडी हवा महसूस होती है, क्योंकि वैसे भी माउंटेन रेंज है, माउंटेनिक रेंज है, फॉरेस्ट है और साथ में स्नो है, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। इसके साथ साथ अगर थर्मल पूल्स की बात की जाए तो मुझे याद है कि जब मैं मलेशिया से थाईलैंड गया था तो थाईलैंड का एक शहर है जहाँ पे हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले फरुख साहब ने हमें रिसीव किया था एयरपोर्ट से, वो हमें ले गए थे वहाँ पे करीब एक थर्मल पूल्स में, और उन थर्मल पूल्स का भी टेम्परेचर बहुत वार्म था, और उस थर्मल पूल्स में आप अगर 15 से 20 मिनट बैठते हैं तो आपको अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और सुकून महसूस होती है। लेकिन ये जो पामुकाले के थर्मल पूल्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा वार्म होता है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, यहाँ पाँव वगैरह आप अपने डिप कर सकते हैं। तो आप तुर्की का रोड ट्रिप एंजॉय करें, और ये देखें साथ ही मेरे फॉरेस्ट चल रहा है, इसमें फॉरेस्ट के अंदर भी काफ़ी स्नो जगह जगह देखी जा सकती है। तो इंशाल्लाह पामुकाले में आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं रास्ते में हूँ पामुकाले के, डेनिसली का रास्ता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी स्नो के साथ ये कवर्ड है। यहाँ पे मैं रुका ताकि थोड़े से व्यूज़ कैप्चर कर सकूँ आप लोगों को रास्ते के व्यूज़ दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ ठंडी हवा है लेकिन सूरज इतना मज़े का है कि यहाँ पे खड़े होकर उस ठंडी हवा का शिद्दत का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हालाँकि इस बर्फ़ के ना होने के बावजूद इस्तांबुल में इससे ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन अंताकिया की नस्बत ये क्योंकि माउंटेनिक रेंज है तो यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, बर्फ़ का सिलसिला भी है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बर्फ़ जो है उसके व्यूज़ करवाता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे पामुकाले में मुलाकात होगी। अभी हम पामुकाले थर्मल पूल्स के पास पहुंच चुके हैं। आप ये सिर्फ व्यू चेक करें, जो यहाँ का व्यू है सामने क्लाउड्स, माउंटेन कवर्ड विद स्नो, और ये सामने ये हैं सामने वाइट कॉटन कैसल। अभी इसके नॉर्थ गेट की तरफ गए थे लेकिन वहाँ से 2 किलोमीटर की वॉक थी, सो अभी हम साउथ गेट की तरफ जा रहे हैं। साउथ गेट से गाड़ी काफ़ी करीब चली जाएगी और वहाँ से फिर एंटर करेंगे। ये है कॉटन कैसल वाइट कलर का, और इसके नीचे यहाँ पे एक लेक बनाई गई है उसी पानी की जिसमें बोटिंग, शिपिंग ये सब की जा सकती है, और यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे वाटर लैंड बना है लेकिन अभी फ़िलहाल विंटर में बंद है, और यहाँ से साउथ गेट की तरफ रास्ता जाएगा। अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं पामुकाले, ये उसकी पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप यहाँ से अंदर एंटर होंगे। आई थिंक 110 लीरा की टिकट है, और जाके देखते हैं कि
इतना ट्रैवल करके आना डेनिसली तक और फिर उससे आगे पामुकाले, तो क्या ये कॉटन कैसल जो है इतना वर्थ करता है जितनी इसकी हाइप क्रिएट है? क्योंकि बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में इसके सॉन्ग्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं और अंदर जाके फिर आपको विज़िट करवाते हैं। सो यहाँ से टिकट लेके आप अंदर एंटर होंगे और यहीं से इसकी वॉल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे शटल सर्विस भी है वैसे गोल्फ कार्ट की, लेकिन वो 300 समथिंग लीरा चार्ज करता है। आपको पूरा एक घंटे में वो घुमा के लाएंगे। खुद आप यहाँ से जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कोई हाफ किलोमीटर की वॉक है, जिसमें ये सारा एरिया है, जिसमें कॉटन कैसल के थर्मल पूल्स, उसके अलावा हेरापोलिस, क्लोपेट्रा पूल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये देखिए आपको इस तरह ये गोल्फ कार्ट में लेके जाते हैं और ये पूरा घुमा के लेके आता है। सो ये आप देखिए कि ये है पामुकाले। पामुकाले की हकीकी खूबसूरती, इतनी सर्दी में भी यहाँ का पानी गर्म है और उसमें से भाप निकल रही है। यहाँ से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। नीचे आपको झील भी नज़र आ रही है जो मैंने आपको आते हुए दिखाई थी। टूरिस्ट का इतना रश नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, विंटर्स है। अदरवाइज़ कुछ पूल्स जो कि अभी खाली हैं वो पूल्स भी भरे होते हैं। सो यहाँ से आप पामुकाले के थर्मल पूल्स को एंजॉय करने के बाद कॉटन कैसल के, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग थर्मल पूल के अंदर भी मौजूद होते हैं और यहाँ से पूरे शहर का आपको व्यू मिलेगा। लेकिन इन पत्थरों के ऊपर चलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पीछे से आए तो काफ़ी स्लिपरी हैं, आपको बहुत ध्यान से कदम रखने पड़ते हैं। यहाँ से एक पानी की गुजरगाह भी बनाई गई है, जैसे यहाँ से स्ट्रेट जाती है नीचे और नीचे जाके फिर उस लेक को फिल अप कर देती है। तो एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आपको लाजमी आना चाहिए, कुदरत के नज़ारे देखने चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर क्या क्या नेमतें दे रखी हैं, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ताला खुद अरशाद फरमाता है कि क्या तुमने मेरी ज़मीन जो है उसको घूमा नहीं, कि तुम्हें मेरी निशानियों का इल्म हो। तो आप देखें हर तरफ शहर सब्ज़ा और दरमियान में एक ये कैल्शियम का पहाड़ चूने का, और उससे निकलता ये धुआंदार पानी जो कि सर्दी के मौसम में भी अच्छा खासा गर्म है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टर्की में और अभी बैठे हैं पामुकाले पे। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक व्यू है जो कि कॉटन कैसल कहलाता है थर्मल पूल्स का, और इस पॉइंट के ऊपर बैठ के आप चाय लें तो क्या ही बेहतरीन मज़ा आता है, क्योंकि चाय से बेहतरीन कोई भी रिफ़्रेशमेंट नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पहुँचने का जो एक सफ़र था, बड़ा एक लंबा सफ़र था, आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3.5 आवर लगे अंतालिया से डेनिसली और फिर उससे आगे पामुकाले आने तक। यहाँ आने के बाद बाकी लगता है कि इतना दूर से आना एक वर्थ रखता है। और अभी यहाँ से इंशाल्लाह आगे जाएंगे हेरापोलिस, जो कि क्लोपेट्रा पूल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ जाके भी इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। सो ये एंटीक पूल है, एंटीक पूल, क्लोपेट्रा पूल, और यहाँ पे लोग इस ठंडे मौसम में स्विम भी करते हैं, क्योंकि आपको भाप उठती नज़र आ रही होगी। एक
थर्मल पूल की तरह का एक पूल है जो कि वार्म रहता है, आप किसी भी सीज़न में आ जाएं। और आजकल के सीज़न में तो बहुत बेहतरीन है कि आप इसमें आराम से आधा पौना घंटा भी गुजार सकते हैं। इसको एक छोटे से पार्क की शक्ल दी गई है, यहाँ पे आप बैठ के जूसेस, चाय, स्नैक्स कुछ भी ले सकते हैं। और इसी की बैक साइड के ऊपर फिर थिएटर भी है, रोमन एम्पायर्स का थिएटर। ये वो रास्ता है जो कि जा रहा है थिएटर की जानिब, ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है, कार्ट से भी जा सकते हैं आप लोग, वॉक करके भी जा सकते हैं। यहाँ से ही आता है थर्मल पूल से, ये वाला व्यू है एंटीक पूल और उसकी बैक साइड के ऊपर ये कुछ बाकियात, और फिर ये जाता है थिएटर की जानिब। तो जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो मैं देख चुका हूँ। थिएटर देखने का मुझे इतना कोई अभी शौक़ नहीं है कि इतना ज़्यादा मैं ऊपर चढ़ के जाऊँ, क्योंकि अभी मुझे वापस ट्रैवल भी करना है 3-4 घंटे का। और थिएटर के लिए वहाँ पे कार्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन कार्ट आई नहीं और मुझे मगरिब से पहले पहले तक वापस भी पहुँचना है। तो अभी हम मुलाकात करेंगे वापस संतालिया जाके, और उसके जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे।